करते थे रेलवे में, वो आए थे तो उन्होंने फोन किया, स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं इस जानसनगंज मोहल्ले में हूँ, मैं आ जाता हूँ, सब्जी मंडी में रहते थे, जानसनगंज के बगल में सब्जी मंडी है। मैं उनकी तरफ जब मुड़ा तो एक गली है अब शाहगंज सब्जी मंडी में, वो अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई है, उसमें आगे चलकर के सौदागर की मस्जिद आज भी है, प्रति सौदागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी, ऊपर छज्जे पर एक मुस्लिम सज्जन एक कांच के गिलास में कुल्ली कर रहे थे। मैं इन्हीं कपड़ों में था, थोड़ी दूर एक 50 गज जब दूर रह गया, उन्होंने हमको देखा, हमने उनको देखा, और जब थोड़ा और नजदीक गया तो उन्होंने कुल्ली करना रोक दिया। मैंने सोचा कि इन्होंने इसलिए रोक दिया है कि कुल्ला थूकेंगे तो छींट पड़ जाएगी। और सौदागर की मस्जिद यानी उन्हीं के मकान के ठीक बगल से ऊंचाई से रास्ता था सैयद इकराम हुसैन के घर जाने का, तो जैसे ही मैं उधर से मुड़ा उसके नीचे आया, उन्होंने मेरे ऊपर पूरा थूक दिया। वो पान कच्ची कुल्ली थी, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। मैं इकराम हुसैन के यहाँ गया, वहां से मुस्लिम से 200-300 मीटर दूर उनका घर था। हमने इकराम को आवाज दी, हमने कहा इकराम पानी ले आओ, तो वो आए, कहने लगा ये वो हमको त्रिपाठी जी कहते थे, त्रिपाठी जी ये कैसे हो गया? मैंने कहा कि ऐसा है, वो सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी की दुकान है ऊपर उन्होंने कहा कि आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा अगर मार खाना होता तो कहते, इसीलिए तो उन्होंने कहा किया था। तो कहने का मतलब ये कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली का हाल चाल लेने गए, और दूसरे वो सज्जन जिन्होंने मुझे ये समझ करके कि गैर मुसलमान ने मेरे ऊपर पान का कुल्ली थूक दी। तो ऐसे लोग नादानी से ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। पहले मैंने जरूर ये समझा था कि यही इस्लाम है, इन्हीं मैंने बताया कि कुछ लोगों के अखलाक की वजह से द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म लिखी थी, मैंने सोचा था ये इस्लाम है। लेकिन जब वास्तविक इस्लाम को जाना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना, जब कुरान को जाना, जब हदीसों को पढ़ा, तो मुझे उन पर दया आई, उन सज्जन पर, कि वो इस्लाम को नहीं जानते। ऐसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी दोनों के खिलाफ काम करते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी कथनी और करनी के हिसाब से अगर दुनिया चले तो सारी दुनिया में अमन चैन हो जाए। इससे बड़ा सत्य धर्म, इससे बड़ी इंसानियत और कोई हो ही नहीं सकती। जितनी की बड़ी इंसानियत इस्लाम में मौजूद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी में मौजूद है। एक बार मैं अपने हिंदू भाइयों को बताऊं कि एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी पर लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, रहमत के लिए भेजा है। और कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश मौजूद था। कुरान मजीद की सूरह 21 आयत नंबर 107 में है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को अपने कर्मों में उतार चुके थे, उसी के हिसाब से चल रहे थे। उन्होंने आपने फरमाया कि मुझे किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए, किसी के लिए लानत भेजने के लिए नहीं, बल्कि दया के लिए भेजा गया है। एक बार एक आपने फरमाया कि अपने भाई के लिए चाहे वो जालिम हो या अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। आपसे पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मेरा भाई मजलूम है तो हम उसकी मदद करना जानते हैं, लेकिन अगर वो जालिम हो जाए तो किस तरीके से मदद करें, आप बताइए। आपका हुक्म है, आपका हुक्म सब आंखों पर, लेकिन बताइए कि किस तरीके से उसकी मदद करें। आपने फरमाया, उस जालिम के हाथ पकड़ लो, यानी उसको जुर्म करने से रोक लो और उसको दोजख की आग से बचा लो, ये उसकी मदद करो। ये थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक बार फरमाया, मैं अगर
हिंदू भाइयों को बताऊं, अगर कोई मीडिया के लोग हो तो समझ लें कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहना कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है। इस्लाम आया है दुनिया में आतंकवाद को मिटाने के लिए। जो मजहब, जिस मजहब ने सबसे ज्यादा आतंकवाद को सहा, जिस मजहब के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा आतंकवाद सहा और आतंकवाद अंतिम समय तक वो आतंकवाद से लड़ते रहे, आपने कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाया, कभी भी किसी से कड़ाई से बात नहीं की, ऐसे मजहब को आप आतंकवाद से कैसे जोड़ सकते हैं? ये पूरी दुनिया में इस्लाम के साथ साजिश है। ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि इस्लाम के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस्लाम को फैलाने का, फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सच्चा धर्म अगर फैलता है तो ये सबसे बड़े धर्म की बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है। और इसमें हमको कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस तरीके की साजिश की जड़ हिंदुस्तान में नहीं बाहर मौजूद है। यहां अगर साजिश होती है वो तो नेताओं की साजिश है, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अपने मतलब के लिए काम करते हैं, लेकिन धार्मिक साजिश यहां पर नहीं, इसकी जड़ें बाहर मौजूद हैं। ये हिंदू भाइयों को समझना चाहिए। तो एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बुरा हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी है। जो हर समय लड़ाई झगड़ा करे वो अल्लाह के लिए सबसे बुरा है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। पड़ोसी के लिए लोग कहते हैं कि पड़ोसी में के लिए जो है मुसलमान खराब है, पड़ोसियों के लिए मुसलमानों के लिए जो आदेश है उससे बड़ा, उससे अच्छा आदेश कहीं हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया वह जिससे उसका पड़ोसी परेशान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के लिए ये कहा कि वो मुसलमान नहीं है जो जिससे उसका पड़ोसी परेशान हो। ऐसा मुसलमान कैसे दहशतगर्दी में शामिल हो सकता है, ऐसा मुसलमान कैसे किसी के ऊपर अन्याय कर सकता है। एक आप से पूछा गया कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल, आपसे पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है, अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान देता, बड़ी फिलासफी की बात करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल, आपने बड़ा सीधा छोटा सा जवाब दिया जो इंसानियत में सबसे ऊपर है। आपने कहा कि भूखे को खाना देना सबसे बड़ा इस्लाम है, भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, भूखे को खाना देना इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं है। और जान पहचान, अगर हम जानते हैं कि फलाने इनका नाम अयूब साहब है, चलिए मुसलमान है, चलिए सलाम हमने किया। और गैर जान पहचान हम जानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं तो उसका हम तो मजहब भी नहीं जानते, उसको भी सलाम करो। इससे बड़े सांप्रदायिक सद्भाव, इससे बड़ी इंसानियत की बात और क्या हो सकती है। ये कहा जाता है कि मुसलमान के लिए, मैं पहले मैं भी कहता था, मैं जब भ्रमित था कहता था मुसलमानों के लिए इंसान वही है जो मुसलमान है, बाकी सब इंसान नहीं है, मैं कहा करता था। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं जानता था। माफ करिए, जिस इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, जिन बड़ाइयों को मैं कह रहा हूं, वो केवल इस्लाम के लिए कर रहा हूं, बड़ाई इस्लाम की है मुसलमान की नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि कुछ मुसलमानों का अखलाक इस्लाम से ठीक उल्टा है, इसी वजह से आज इस्लाम की छवि खराब हो रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है
कि इस्लाम में मुसलमान अच्छे नहीं, बहुत अच्छे, एक से एक अच्छे मुसलमान हैं, और उन्हीं अच्छे मुसलमानों की वजह से आज भी इस्लाम आगे जा रहा है। और हमने जब इस्लाम का मुताला किया तो मैंने पाया कि सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में जितनी नजदीकी है किसी में नजदीकी नहीं है। इस्लाम कहता है अल्लाह यानी